छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री हाउस में आज कैबिनेट की बैठक होगी। आज चंदखुरी में बघेल कैबिनेट मौजूद रहेगी। चंदखुरी में भगवान राम की माता कौशल्या का प्राचीन मंदिर है, जहां आज भूपेश कैबिनेट पहुंचेगी। राम वनगमन पर्यटन परिपथ रथ यात्रा के समापन समारोह में पूरी सरकार आज शामिल होगी। तो बघेल सरकार के 2 साल आज पूरे हो रहे हैं। कैबिनेट की महत्वपूर्ण एक बैठक भी आज होनी है। ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि सियासत में राम की एंट्री के क्या मायने हैं। सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। जश्न के तरीके अलग भी हो सकते थे, लेकिन सरकार राम की शरण में चली गई और पूरे सूबे को राममय करने की कोशिश भी की जा रही है। इसकी शुरुआत कोरिया जिले के हर चौका से की गई। पर्यटन रथ और विशाल रैली निकाली गई। पूरे राम पथ पर यह रैली गई और जगह जगह राम नाम का पाठ भी किया गया। वनवास के दौरान राम का वास्ता जिन जगहों से रहा है, वहां की मिट्टी भी ली जा रही है। सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पे पूरा कैबिनेट, कल कैबिनेट की मीटिंग भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। माता कौशल्या की गोद में राम जी का जो यहां भव्य मंदिर है, उसकी पूजा करेंगे। यहां रुद्राक्ष के पेड़ का वृक्षारोपण करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, राम का नाम जपने में जुटी भूपेश सरकार की ओर से प्रदेश में रामराज लागू करने जैसी बात भी की जाने लगी है। इस देश में रामराज लागू करना है, इस प्रदेश में बापू का ग्राम स्वराज और छत्तीसगढ़ का सुराजी ग्राम योजना एक ही योजना है, जो रामराज की परिकल्पना को हम लोग लेके किया है। छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। यहाँ के गरीबों के लिए, जैसा आपने कहा कि गोधन न्याय योजना हमने लागू किया है, गोठान का कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ निरीक्षण करने वाले हैं। हमारी सारी योजनाएं जिसको हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए, यहाँ के आम लोगों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, तो ये सारी योजनाओं को लेकर के कल 2 साल पूरा होने भी जा रहा है। तो खुशियों के इस क्षण में इस मंदिर प्रांगण में ही पूरा मंत्रिमंडल और मैं ऐसा समझता हूँ हमारे सारे जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। इसी का नतीजा है कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कई सवाल खड़े कर दिए। राम का नाम ले, सदबुद्धि मिले, भगवान उनको बुद्धि दे। एक तरफ राम को गाली भी देते हैं और दूसरी तरफ राम के गमन पथ जो भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया था, उस मार्ग में चलने के लिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कितना होता है, मगर राम के काज में कुछ करते हैं तो कोई उसमें बुराई में नहीं महसूस करता, मगर कुछ करके तो दिखाएं। सियासत जारी है। इस बीच सरकार दावा कर रही है कि वो राम पथ को विकसित कर प्रदेश को एक अलग ही पहचान दिलाना चाहती है, लेकिन सियासत में राम धुन का असर जानने वाली बीजेपी को सरकार के दावों पर यकीन नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लगातार बढ़ रही है। 2 साल पूरा होने पर पूरी कैबिनेट माता कौशल्या के मंदिर चंदखुरी में नजर आएगी। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी। तो वहीं विपक्ष ने निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है, जिन्होंने राम के नाम को ही नकार दिया था, वे अब राम की बात कर रहे हैं। भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि दे। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जनता के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।